ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया, 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इज नियरली अचीव्ड। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही इंडिया ने 40% नॉन फॉसिल एनर्जी का टारगेट अचीव कर लिया था 2021 में ही, जिसे 2030 तक अचीव करना था। ये हम इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट था। अब जस्ट इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में एक और सफलता मिलने वाली है भारत को, और ये है 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट। हमने अभी 9.45% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद फॉसिल फ्यूल अचीव कर लिया है। इस साल के एंड तक हम 10% भी अचीव कर लेंगे और 2030 तक 20% तक ब्लेंडिंग अचीव कर लिया जाएगा। इससे फॉरेक्स रिजर्व की बचत से लेकर किसानों की इनकम के साथ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। भारत जो कहता है वो करता है। जय हिंद।